नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर किसी शेर को खून उसके मुंह में लग जाए तो वो चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए उसे उस वो खून की स्वाद नहीं जाता। यही सेम हालत है अगर किसी भ्रष्टाचारी को अगर आप एक बार गलत काम कर दें तो आपका हमेशा वही करने का मन करता है, चाहे आप जेल में हो चाहे आप जेल के बाहर। तो दोस्तों, हुआ यूं कि बिहार में अभी स्पीकर का चुनाव होने वाला है और एक बहुत बड़ी खबर है कि लालू यादव उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव फिलहाल उनकी एक टेप वायरल हुआ है, उस टेप में उन्होंने एक तरीके से डिमांड किया है कि वो एक विधायक को मंत्री पद देंगे और ये भी कहा है कि वो सब कुछ सरकार गिरा देंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों, ये कैसे छापे हुए न्यूज होते नहीं है, आपको एकदम करेंट टू द पॉइंट रिलेवेंट न्यूज मिलेगा, जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोज मिलेगा। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फिलहाल लालू यादव बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात सही साबित हो गई कि ये जो वीडियो है, जो उनका ऑडियो निकल के आया कॉल का, वो सही है, तब तो उनकी मुसीबतें बढ़ना पक्का तय है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि हो सकता है उनकी जाँच हो, वो जेल में होकर ऐसा काम कैसे कर रहे इसकी जाँच हो, और उसको खरीद फरोख के चक्कर में बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है। दोस्तों चलिए सुनते हैं उन्होंने आखिर क्या कहा है। हाँ पासवान जी, बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक खुश रहे खुश है रहे। जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ आप बने बने। तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या अच्छा कर। पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना अच्छा, हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी, आपके तो चलो संज्ञान में होगा ही सर, चेहरा हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ठीक, तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से उनपे जो खरीद फरोख का आरोप है वो सही साबित होते हुए लग रहा है, क्योंकि इसमें जो आवाज है वो भी सही है और जिस विधायक से बात कर रहे हैं वो भी किस तरीके से बता रहा है कि नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पार्टी ही गिरा देंगे, कोरोना का बहाना ले लो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इतना बड़ा नेता जब इस तरीके की ओछी हरकतें करता है तो पॉलिटिक्स का क्या होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।